वेलकम बैक गाइस। सो दिस इज चेतन वर्मा, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल CSP इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में मैं दिस इज अ कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ लास्ट वीडियो द लैब टू प्रोग्राम एंड इन विच आई वॉज टीचिंग यू अबाउट EM एल्गोरिदम। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू रिगार्डिंग के मीन एल्गोरिदम। सो एंड देन आई विल ऑल्सो शो यू how to execute the program into it. So in last video I taught you regarding EM algorithm, and this video I will cover K-mean algorithm. Okay. So K-mean clustering is an unsupervised learning. This is unsupervised learning. देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा ना ऊपर, तो हमें बेसिकली ध्यान भी नहीं था कि यार ये यहां पर मैंने बता दिया था कि यार यहां पर ये वाला डेटा मिसिंग है, लेबल मिसिंग है इसका। तो लेबल मिसिंग था तो हमने फिर बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली कि अच्छा ये लेबल होने की क्या प्रोबेबिलिटी और इसके साथ में लेबल होने क्या पे, वो उसके आधार पे हमने ये पैरामीटर्स निकाल लिए हमने, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर भी हम अनसुपरवाइज लर्निंग के साथ में काम कर रहे थे, और इस जगह पर भी अनसुपरवाइज लर्निंग के साथ में जाएंगे। के मीन एल्गोरिदम बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है। दैट इज यूज्ड टू सॉल्व द क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। तो अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या है भैया? यहां पर अनलेबल डेटा है, सिर्फ डेटा होगा, फीचर्स गिवन होंगे हमें, उससे एसोसिएटेड लेबल नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल, अनलेबल डेटा है हमारे पास। सो इन दिस टॉपिक वी विल लर्न व्हाट इज के मीन क्लस्टरिंग, हाउ इट डज वर्क, और इसका फिर बाद में ऑफ कोर्स पाइथन इंप्लीमेंटेशन तो हमें देखना ही है। सो ये क्या करता है, अनलेबल डेटा सेट होता है, उनको डिफरेंट क्लस्टर्स में ग्रुपिंग करता है, ग्रुपिंग करता है बेसिकली, ग्रुपिंग ऑफ व्हाट, हमारे पास में अनलेबल जो डेटा है उसको डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप्स में क्लस्टर करता है या फिर बाद में उसको तोड़ता है। सो हियर के डिफाइन्स द नंबर ऑफ प्री डिफाइंड क्लस्टर्स दैट वी नीड टू क्रिएट इन द प्रोसेस। सो अगर हमारे पास में के की वैल्यू 2 है, तो बस हमें दो कैटेगरीज में डेटा को डिवाइड करना है। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, 4 है तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स बताने हैं भैया, कितनी कैटेगरीज बनानी है हमें। इट इज एन इटरेटिव एल्गोरिदम दैट डिवाइड्स द अनलेबल्ड डेटा इनटू के डिफरेंट क्लस्टर इन सच ए वे दैट ईच डेटा सेट बिलोंग्स ओनली वन ग्रुप दैट हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टीज। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है भाई साहब, लिख देता हूं, काम आएगी इंटरव्यू वगैरह में, बहुत ज्यादा काम आएगी अगर वाइवा है तो उसमें भी। इट इज एन इटरेटिव एल्गोरिदम दैट डिवाइड्स द अनलेबल्ड अनलेबल जो डेटा सेट है इनटू के डिफरेंट क्लस्टर्स इन सच ए वे, कुछ इस तरीके से, दैट ईच जो डेटा सेट है बिलोंग्स ओनली वन ग्रुप दैट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। सो भैया जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो उसकी तरफ निकल जाएगा, ठीक है। जिन जिन की सिमिलर प्रॉपर्टीज है उधर वो खिसक लेंगे, उस ग्रुप के उस क्लस्टर की तरफ वो डेटा सेट खिसक लेगा। सपोज आपके पास में रो फर्स्ट है, रो फर्स्ट
हमने देखा रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड, वो सिमिलर डेटा पॉइंट्स रखते हैं तो उनकी एक कैटेगरी हो गई। इसी तरीके से रो फोर्थ, रो फिफ्थ और रो सिक्स्थ दूसरी कैटेगरी बन गई। अब नई हमने इनपुट वैल्यू दी, हमने देखा कि ये किसके साथ ज्यादा मैच खा रही है, जिसके साथ भी ज्यादा मैच खा रही उधर हम उसको खिसका देंगे। सो इट अलाउज अस टू क्लस्टर द डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड अ कन्वीनियंट वे टू डिस्कवर द कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स इन द अनलेबल्ड डेटा सेट ऑन द इट्स ओन विदाउट द नीड ऑफ एनी ट्रेनिंग। इट इज सेंट्रोइड बेस्ड एल्गोरिदम, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? सेंट्रोइड बेस्ड एल्गोरिदम है भैया जी, बेस्ड एल्गोरिदम। इट इज सेंट्रोइड बेस्ड एल्गोरिदम, जहां पर हर एक जो क्लस्टर है वो एसोसिएटेड है सेंटर के साथ में, सेंट्रोइड के साथ में। हर एक जो क्लस्टर है, हर एक जो क्लस्टर है ना भैया, वो अपने सेंटर के साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है। सो इसीलिए इसको सेंट्रोइड बेस्ड एल्गोरिदम बोला जाता है। जो मेन एम है इस एल्गोरिदम का वो ये है कि मिनिमाइज करे जो सम ऑफ डिस्टेंस है बिटवीन डेटा पॉइंट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग क्लस्टर्स, उनके डेटा पॉइंट्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्लस्टर्स है उनकी जो डिस्टेंस है उसको कम से कम रखे, ठीक है। कि सपोज यहां पर एक ये है, एक पॉइंट है, तो वो इसके ज्यादा करीब है कि इसके ज्यादा करीब है, तो अगर ये इधर है तो वो कह देगा नहीं नहीं ये इसके ज्यादा करीब है तो इस वाले के अंदर विलय हो जाएगा, इस वाले के अंदर नहीं जाएगा। सो द एल्गोरिदम टेक्स अनलेबल्ड डेटा एज एन इनपुट, डिवाइड्स द डेटा इनटू के नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड रिपीट्स द प्रोसेस अंटिल इट डज नॉट फाइंड द बेस्ट क्लस्टर। द वैल्यू ऑफ के शुड बी प्री डिटरमाइंड इन द एल्गोरिदम। मैंने ये बता ही दिया बार बार कि ये जो वैल्यू ऑफ के है वो प्री डिटरमाइंड होनी चाहिए। सो द के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम मेनली परफॉर्म टू टास्क। पहला तो डिटरमाइनिंग द बेस्ट वैल्यू ऑफ के सेंटर पॉइंट्स और सेंट्रोइड्स बाय इट्स इटरेटिव प्रोसेस, कि ये क्या करेगा, ऐसे करते 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 बेस्ट के सेंट्रोइड पॉइंट्स निकालेगा। ये कहेगा कि एक तो देखो यहां पर जमावड़ा हो रहा है, तो एक तो यहां पर कहीं ना कहीं एक सेंट्रोइड पॉइंट आ रहा है, एक यहां पर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स एक साथ मिल रहे हैं तो एक यहां पर कोई सेंट्रोइड पॉइंट आ रहा है, और एक यहां पर बहुत सारे मिल रहे हैं तो इसका मीन कहीं यहां पर, तो एक यहां पर सेंट्रोइड पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इसको मैं आपको दिखाता हूं एक इमेज के चलते, इमेज के चलते यहां से देखिए, ये देखिएगा ये इमेज है। सो देखिए बिफोर के मीन, और जैसे ही आपने के मीन डिफाइन कर दिया, आफ्टर के मीन ये देखो सेग्रीगेट हो गया, ये सेग्रीगेट हो गया। तो यहां पर क्या हुआ भैया जी, यहां पर देखिए, अरे यार इरेज करता हूँ डेटा, यहां पर देखिए इस डेटा को सेग्रीगेट कर दिया, इसको सेग्रीगेट कर दिया और इसको सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से सेग्रीगेशन हो गया। सो हाउ डज इट वर्क, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे काम करती है। तो सबसे पहले स्टेप वन में के की वैल्यू को हम डिसाइड करेंगे। सो के की वैल्यू को डिसाइड करेंगे सबसे पहले स्टेप वन में। स्टेप टू में सेलेक्ट रैंडम के पॉइंट्स और सेंट्रोइड्स, सेलेक्ट द नंबर ऑफ के टू डिसाइड द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, देन सेलेक्ट रैंडम के पॉइंट्स, रैंडम के पॉइंट्स और सेंट्रोइड्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो इट कैन बी अदर फ्रॉम द इनपुट डेटा सेट। ये जो के की वैल्यू है वो अदर देन इनपुट डेटा सेट के अलावा है बेसिकली। स्टेप थ्री के अंदर असाइन ईच डेटा पॉइंट टू देयर क्लोजेस्ट सेंट्रोइड। हमने ऐसे ही हवा में तीन सेंटर्स देख ली, तीन सेंटर्स ऐसे कोई रैंडम मैंने चूज कर ली, ये अदर देन दैट,
और फिर जो जो इनपुट है, अब ये देखा कि इसके पास में ये जो इनपुट है क्या वो इसके पास में आ रहा है, हाँ इसके पास में आ रहा है, या तो इसके पास में आ गया या तो इसके पास में, इस तरीके से हम उसका जमावड़ा करेंगे। सो असाइन करेंगे हर एक डेटा पॉइंट को उनके करीबी सेंट्रोइड के साथ में, विच विल फॉर्म दी प्री डिफाइंड के क्लस्टर। ठीक है, फिर हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और प्लेस करेंगे न्यू सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लस्टर। अब यहां पर सपोज ये आ गया, इसका इसके सेंट्रोइड से वेरिएंस क्या है, वेरिएंस आपको पता ही है। ठीक है, अगर वेरिएंस ज्यादा आ रहा है तो उसी के आधार पे एक नया सेंट्रोइड हम फॉर्म कर देंगे। तो स्टेप फोर में कैलकुलेट करेंगे दी वेरिएंस को एंड प्लेस एन न्यू सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लस्टर। वेरिएंस निकाल कर, अगर वेरिएंस हाई है तो फिर से इसका एक मीन निकालेंगे और नया सेंटर सेंट्रोइड बना देंगे, सेंट्रोइड बेसिकली मीन। और रिपीट करेंगे थर्ड स्टेप को। थर्ड स्टेप क्या था भैया अपना, स्टेप थर्ड था असाइन ईच पॉइंट डेटा पॉइंट टू देयर क्लोजेस्ट सेंट्रोइड एंड विच विल फॉर्म ऑन दी प्री डिफाइंड के क्लस्टर। ठीक, और रिपीट करेंगे हम स्टेप नंबर इसमें 5 में लिख देते हैं, रिपीट दी थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, विच मीन्स रीअसाइन ईच डेटा पॉइंट टू द न्यू क्लोजेस्ट सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लस्टर। एंड स्टेप नंबर 6, इफ एनी री असाइनमेंट अकर देन गो टू स्टेप नंबर 4 एल्स गो टू फिनिश द मॉडल इज रेडी। देन वी हैव, ये मैं कंडीशन डाल देता हूँ, इफ एनी री असाइनमेंट अकर्स, अगर कुछ नया रीअसाइनमेंट अकर हो रहा है तो आप जाइए देन गो टू स्टेप 4 एल्स गो टू फिनिश एंड देन वी हैव मॉडल रेडी। सो मैं आपको ये दिखा देता हूँ भाई कैसे ये होगा। सपोज आपके पास में ये है, ये पास आपके पास में है ना। सो लेट्स टेक के ऑफ क्लस्टर्स, दैट इज के इक्वल टू टू, के इक्वल टू टू ले लिया। आइडेंटिफाई द डेटा सेट एंड टू पुट देम इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स, इट मींस हियर वी विल ट्राई टू ग्रुप दीज डेटा सेट्स इनटू टू डिफरेंट क्लस्टर्स। ओके, है ना। वी नीड टू चूज सम रैंडम के पॉइंट्स, कोई रैंडम के पॉइंट्स मैंने यहां पर चुन लिया, एक तो मैंने यहां पर चुन लिया मान लीजिए, एक तो यहां पर चुन लिया, एक रैंडम पॉइंट है ना, और एक मैं यहां पर चुन लेता हूं इस जगह पर। चलिए ये रैंडम के पॉइंट्स, कहीं पे भी दो के पॉइंट्स मेरे को चुनने हैं, वो कहीं पे भी मैं चुन सकता हूं। ठीक है, अब दीज पॉइंट्स कैन बी आइदर द पॉइंट्स फ्रॉम द डेटा और एनी अदर पॉइंट्स, कि या तो डेटा में से ही कोई, पहले से ही डेटा में से कोई एक पॉइंट हो सकता था या फिर कोई भी अदर देन दैट। सो हियर वी आर सेलेक्टिंग द अबाउट टू पॉइंट्स एज के पॉइंट्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डेटा सेट। सो दिस इज नॉट आवर डेटा सेट। नाउ वी विल असाइन ईच डेटा पॉइंट्स ऑफ द स्कैटर प्लॉट टू इट्स क्लोजेस्ट के पॉइंट्स और सेंट्रोइड।
विल कंप्यूट इट बाय अप्लाइंग सम मैथमेटिक्स दैट वी हैव स्टडीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. सो वी विल ड्रॉ मीडियन बिटवीन बोथ दिस एंड्रॉइड. सो बेसिकली मैं यहाँ से एक लाइन बना देता हूँ, एक तो ये बना देता हूँ, ठीक है, और एक मैं ये लग रहे यार. हो गया, ठीक. सो फ्रॉम द अबव इमेज इट इज क्लियर दैट पॉइंट्स लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन इज नियर टू द के वन. ये यहां पर इसको मैं के वन लिख देता हूं. अरे यार, इसको मैं के वन लिख देता हूँ, इसको मैं पॉइंट के टू लिख देता हूँ. अब ये देखिए, अगर मैं इस तरीके से इसको सेग्रीगेट करता हूं तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो तो सारे के सारे दूर हैं, इससे भी दूर हैं और इससे भी दूर हैं. लेकिन इस वाली लाइन को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इस वाली लाइन के साथ में कंसिडर कर रहा हूँ, इस वाली लाइन को भूल जाते हैं. अरे यार, मैं इस वाली लाइन को हम भूल जाते हैं. चलो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ. इस वाली लाइन के साथ में मैं ये देख पा रहा हूँ कि यार अब ये अच्छा सेग्रीगेशन लग रहा है कि ऊपर वाले ऊपर की तरफ से, नीचे वाले नीचे की तरफ से, ये अच्छा सेग्रीगेट लग रहा है. सो इट क्लियर्स दैट द पॉइंट्स लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन इज नियर टू द के वन और ब्लू सेंट्रॉइड, इसे हम ब्लू सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं, एंड पॉइंट्स पॉइंट्स टू द राइट साइड ऑफ द लाइन आर क्लोजर टू द येलो सेंट्रॉइड. तो मैं इसको इस पिक्चर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. देखिए, है ना, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है. सो एज वी नीड टू फाइंड द क्लोजेस्ट क्लस्टर सो वी नीड टू रिपीट द प्रोसेस बाय चूजिंग अ न्यू सेंट्रोइड. तो चलिए एक नया सेंट्रोइड ओ ले लेते हैं, एक और नया सेंट्रोइड ले लेते हैं, यहाँ मैं एक सेंट्रोइड बना लेता हूँ, एक ये ना, और यहाँ पर भी मैं एक और सेंट्रोइड बना लेता हूँ. ये लीजिए, यहाँ पर बना लिया, और इसको मैंने एरो से डिनोट कर देता हूँ, और इसको मैंने यहाँ से यहाँ मूव करवाया. नया सेंट्रोइड ले लिया. सो टू चूज द न्यू सेंट्रोइड वी विल कंप्यूट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सेंट्रोइड एंड वी विल फाइंड द न्यू सेंट्रोइड एज बिलो हियर. कि हमने क्या कहा कि यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ लगभग इस जगह पर आती है ये, और यहाँ पर भी कुछ लगभग इस जगह पर आता है, तो ठीक है ये, मतलब हाँ समझ जाइए आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से. नेक्स्ट वी विल रीअसाइन ईच डेटा पॉइंट्स टू द न्यू सेंट्रॉयड. अब हम क्या करेंगे, न्यू सेंट्रॉयड के हिसाब से हम सेग्रीगेट करेंगे. सो फॉर दिस वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस एंड फाइंड द मीडियन लाइन. द मीडियन लाइन विल बी लाइक दिस. देखिए यहाँ से इमेज निकाल लेता हूँ, कुछ इस तरीके से मीडियन लाइन आ जाएगी. देखिए यहाँ पर ये मीडियन लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ अब आपको जाती हुई नजर आ रही है कि अब ये सेग्रीगेशन थोड़ा सा और सेग्रीगेट हो रहा है ना. सो फ्रॉम द अबो इमेज वी कैन सी वन येलो पॉइंट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन एंड टू ब्लू पॉइंट्स आर द राइट साइड ऑफ द लाइन. सो दिस थ्री पॉइंट्स विल बी रीअसाइन टू न्यू सेंट्रॉइड. और उसको ही हमने क्या किया भाई, रीअसाइन कर दिया इस तरीके से. सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने रीअसाइनमेंट किया है, रीअसाइनमेंट किया कुछ इस तरीके से. तो ये वाला येल्लो वाला था, इसको मैंने ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. फिर से मैंने क्या किया, विल रिपीट द प्रोसेस बाय फाइंडिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेंट्रॉइड. सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, सो द न्यू सेंट्रॉइड विल बी शोन इन दिस पिक्चर. यहाँ पर देखिए मैंने इसका भी ऊपर वाली इमेज का, ये जो ऊपर वाली इमेज थी भैया मेरे पास में, उसका मैंने सेंटर ऑफ
वो निकाला मैंने कुछ इस तरीके से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला, ठीक है। और फिर बाद में मैंने इसके आधार पे फिर से वो लाइन खींची, सो वी गॉट द न्यू सेंटर ऑफ न्यू सेंट्रोइड, सो अगेन विल ड्रॉ द मीडियन लाइन एंड रीअसाइन द डेटा पॉइंट्स, सो द इमेज विल बी हियर लाइक दिस। सो इसके आधार पे ये जो हमारा सेंट्रोइड इधर खिसका, इसके आधार पे देखिए ये हमारी सेग्रीगेशन सेग्रीगेट हो गया हमारा ये डेटा, इस तरीके से सेग्रीगेट हो गया, ठीक है। सो वी कैन सी द इमेज, देर इज नो डिस्क्लेमर पॉइंट डेटा पॉइंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन विच मीन्स आवर मॉडल इज फॉर्म्ड, सो एट लास्ट आवर मॉडल इज लाइक दैट। ओके, इस तरीके से हमारा सेग्रीगेशन हो गया है, ठीक है। सो एज आवर मॉडल इज रेडी, सो वी कैन नाउ रिमूव द अज्यूम्ड सेंट्रोइड एंड टू फाइनल क्लस्टर विल बी शोन हियर। सो अब हम ये लाइन भी हटा देंगे और हमारे पास में कुछ इस तरीके से हमारा ये मॉडल हमें दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू सो। सो क्वेश्चन इज लाइक हाउ टू चूज द वैल्यू ऑफ के नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन द के मीन क्लस्टरिंग। सो द परफॉर्मेंस ऑफ के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम डिपेंड्स अपॉन हाईली एफिशिएंट क्लस्टर्स दैट इज फॉर्म बाय चूजिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज अ बिग टास्क। देर आर सम डिफरेंट वे टू फाइंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स, बट हेयर वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू फाइंड द नंबर ऑफ क्लस्टर्स और वैल्यू ऑफ के। सो वी हैव एल्बो मेथड हो गया हमारे पास में, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है यार। एल्बो एल्बो मेथड के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपको एल्बो मेथड के बता रहा हूँ, जिसमें हम ये फॉर्मूला विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर लेते हैं। सो इन क्लस्टर वन समेशन ऑफ दैट डिस्टेंस पी आई सी वन होल स्क्वायर एंड इट्स लाइक दैट फॉर सी टू फॉर सी थ्री, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर अगेन लाइक आई विल बी चेंज एंड सी आई विल बी चेंज, सो अगेन आई वैल्यू विल बी चेंज, इट इज बीन चेंजिंग, सो विल गो फ्रॉम आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक, सो लाइक दैट। सो आई होप यू अंडरस्टूड के मीन एल्गोरिदम। इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की, मैंने एकदम रैंडम लिया, मेरा ये डेटा पॉइंट था, मैंने रैंडम कोई भी के वैल्यू ली, मैंने फिर बाद में उसके हिसाब से लाइन खींची, लाइन ड्रॉ किया, और फिर बाद में मैंने उसके आधार पे मैंने इसको फिर से सेंट्रोइड को खिसकाया, इसके सेंट्रोइड को खिसकाया, उसको कैलकुलेट किया, फिर से सेंट्रोइड को, इसके सेंट्रोइड को, इसके डेटा पॉइंट्स ऊपर वाले हैं, इसके नीचे वाले हैं, और इन दोनों के सेंट्रोइड्स को मैंने खिसकाया, फिर बाद में मैंने सेंट्रोइड्स के हिसाब से फिर बाद में मैंने एक और लाइन को ड्रॉ किया, सेग्रीगेट लाइन को ड्रॉ किया, फिर बाद में मैंने उसको फिर बाद में और सेंट्रोइड को खिसकाया, फिर मैंने एक और लाइन खींची, और इसी तरीके से मेरे को फाइनल मॉडल मिल गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट डज वर्क। सो चलिए अब हम हमारा कोड देखते हैं, सो कोड देखते हैं और उसमें प्लॉट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, मेरे को इनिस डेटा पॉइंट को ही भैया जी सेग्रीगेट करना है। सो के मीन एल्गोरिदम और ईएम एल्गोरिदम को क्लस्टरिंग के लिए यूज करना है और कंपेयर करना है इसको, ठीक है। सो चलिए मेरा एक कोड रेडी है। सो इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिप, ये बेसिकली ग्राफ के लिए है, ये के मीन एल्गोरिदम मैंने यहाँ पर क्लस्टर वाले से के मीन एल्गोरिदम निकाल लिया, मिक्सचर वाले से गोशियन मिक्सचर, जो कि ईएम एल्गोरिदम मैंने बताया था ना, गोशियन मिक्सर एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। गोशियन मिक्सचर इसी के ऊपर काम करता है, तो गोशियन मिक्सचर है तो इसके अंदर हमारे पास इन दो पैरामीटर्स हम एस्टिमेट कर रहे हैं, एक तो म्यू और एक हमारा क्या हो गया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। एसकेलर्न से मैंने डेटा सेट कर लिया,
ये देखिए आप पांडास से मैं डॉट सी एस वी फाइल करके भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पर आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, डेटा सेट से जा रहा हूँ यार, डेटा सेट जो मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो डेटा इक्वल टू डेटा सेट्स डॉट लॉड इरीज, मैंने लॉड कर लिया, और फीचर्स मैंने बेसिकली ले लिए यूजिंग द फर्स्ट टू फीचर्स। मैंने दो फीचर्स को यूज़ किया, 0 से लेकर 2 तक मैंने फीचर्स के अंदर डाल दिए, सेलेक्ट द फीचर्स फॉर क्लस्टरिंग, अप्लाई किया के मीन क्लस्टरिंग, जहाँ पर नंबर ऑफ क्लस्टर्स मेरे पास में 3 है। क्यों है? इरीज के अंदर सितोसा और ना वर्जेनिका और ये सब करके 3 मेरे पास में अलग अलग कैटेगरीज है, तो उसके आधार पे मैंने नंबर ऑफ क्लस्टर्स रखे हैं, वो के की वैल्यू रखी है 3 के मीन एल्गोरिदम में। और के मीन लेबल्स में मैंने फिट किया है प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्ट के अंदर फीचर्स को मैंने, ठीक है। सो फिट प्रिडिक्ट मैंने क्लास का नाम दे दिया यहाँ पर, जो फीचर्स मैंने यहाँ से लिए थे, तो उन क्लासेस का नाम ले दिया, ये जो क्लस्टर्स है उनका नाम दे दिया मैंने, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अप्लाई किया ई एम एल्गोरिदम को, यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लेकर चला हूँ मैं, और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मेरे पास में यहाँ पर है 3, सो एडजस्ट द नंबर ऑफ क्लस्टर्स एज नीडेड। और यहाँ पर भी मैंने फीचर्स को फिट कर दिया प्रिडिक्टेड में, लेबल्स जो बेसिकली है लेबल करने के लिए, तो वो मैंने यहाँ पर ये फीचर्स डाल दिए, ठीक है। फिर मैंने फिगर बनाई जिसकी साइज है 12 और 4, इसके अंदर प्लॉट किया मैंने 1:1 के आधार पे, फीचर्स ये डाले फीचर्स, और जो मेरे पास में बेसिकली यहाँ से आया के मीन एल्गोरिदम के जो लेबल्स हैं, और उसके एजेस का मैंने के कर दिया, वेरिडिस ये करके टाइटल दे दिया, ये है के मीन क्लस्टरिंग का सैंपल लेंथ, एक्स एक्सेस में होगी उसकी सैंपल लेंथ, वाई एक्सेस में होगी उसकी विड्थ, और यहाँ पर ये हो गया कलर बार जो कि मेरे को कलरिंग चाहिए उसमें, ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्कैटर किया हमारा डेटा, फीचर्स ये सारे जितने भी फीचर्स थे उसको स्कैटर कर दिया बेसिकली मैंने, और यहाँ पर मैंने सी में डाल दिए के मीन्स लेबल्स जो प्रेडिक्ट होकर आए हैं मेरे पास में, उनको मैंने यहाँ पर सी के साथ में, तो पॉइंट्स को स्कैटर कर देगा मेरे पास में, और मैंने अलग अलग पॉइंट्स को यहाँ पर कलरिंग कर दी, ठीक है, उसकी मैपिंग कर दी, ठीक है। चलिए इसके बाद में मैंने यहाँ पर सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी फिगर बनाई, और दूसरी फिगर में मैंने यही चीज किया, यहाँ पर ई एम लेबल्स डाले, यहाँ पर के मीन लेबल्स थे, यहाँ पर मेरे पास में एक्सपेक्टेड मीन लेबल्स आ गए, और उसको भी मैंने स्कैटर कर दिया, और फिर बाद में प्लॉट को इसको टाइट लेआउट कर दिया और उसको शो कर दिया, मैंने कहा शो करो, ठीक है। लास्ट में मैंने इनर्शिया जो के मीन का है एज ए इंडिकेटर ऑफ क्लस्टरिंग क्वालिटी, वो इसकी इनर्शिया मैंने ये निकाल दी के मीन का, और ये बेसिकली उसकी के मीन की जो क्लस्टरिंग क्वालिटी है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए इसको मैंने एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर हमारे पास में 3 कैटेगरीज हैं, ये पहली कैटेगरी हो गई, यहां पर ये देखिए ये ग्रीन कलर है और ये ब्लू कलर है, 3 कैटेगरीज हमारे पास में दिख रही हैं, हमारे पास कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, यहां पर भी हमारे पास में ईएम में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो आप देख पा रहे हो जो लगभग एक जैसे ही है, ई एम क्लस्टरिंग और के मीन क्लस्टरिंग दोनों एक जैसा ही काम कर रही है, लगभग 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 लगभग, लेकिन यहां पर देखिए ये वाला जो डेटा पॉइंट है ना के मीन में, ये इसके अंदर कवर नहीं किया गया है, लेकिन ई एम जो क्लस्टरिंग है उसमें ये वाला इसके अंदर कवर हो गया है, ठीक है, बहुत सारा इसके अंदर कवर हो गया। तो इस तरीके से उसका सेग्रीगेशन KEM जो क्लस्टरिंग है उसके अंदर और अच्छे से हुआ है कंपेयर टू के मीन क्लस्टरिंग, ठीक है। सो यार आप यहां पर देख पा रहे हो,
कि दोनों के अंदर डिफरेंस आप निकाल पा रहे हो, ठीक है। और ये चीज है हमारे पास में। और मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ, इसकी क्लस्टरिंग क्वालिटी को भी यहाँ पर इंडिकेट किया है। ये देखिए, जो के मीन इनर्शिया है वो है 37.05070। तो ये हो गई इसकी क्वालिटी, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो बेसिकली जो के मीन इनर्शिया जो होता है वो एक मैट्रिक होता है। बेसिकली ये जो है ये एक मैट्रिक है टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ क्लस्टरिंग सॉल्यूशन। इनर्शिया को हम विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ के मीन एल्गोरिदम है इज टू मिनिमाइज द इनर्शिया, दिस इनर्शिया। वो ऑब्जेक्टिव ही है कि इसका इसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके। सो विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस इनर्शिया यहाँ पर हो गया, ठीक है। फॉर ईच डेटा पॉइंट द इनर्शिया रिप्रेजेंट द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द सेंट्रोइड ऑफ द डिस्टेंस टू विच इट हैज बीन असाइंड। इनर्शिया इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ दीज स्क्वायर डिस्टेंस अक्रॉस ऑल द डेटा पॉइंट्स विद इन ऑल क्लस्टर्स। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। फिर हमें इसको मिनिमाइजेशन करना हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना। सो एल्बो मेथड में मैंने बताया आपको ये वाली बात, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।